हाय गाइस, मैं आपका ऑस्टन गोस्ट फासिल गुलबर्गा। ये मैं आज आपको बता रहा हूँ महारा ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी की जो बिल्डिंग है, जहाँ पे सब ड्राइवर को लेबर को रखा जाता है। देखिए वहाँ की हालत कैसी है, लोग कैसे खाना खाने के लिए लाइन लगाना पड़ता है, धक्कम दुक्की होती है, लड़ते हैं। ये देखो, सोने के लिए जगह नहीं, बिस्तर नहीं, जैसे कि आप वीडियो में साफ साफ देख सकते हैं, यही हालत है। यहाँ आना है तो भाई हमारा कंपनी में गलती से मत आना, यहाँ आओगे फंस जाओगे बहुत बुरी तरह, क्योंकि यहाँ पे आपको कोई फैसिलिटी नहीं मिलेगी। खाना भी जो अभी मैं आपको आगे बता रहा हूँ, बस वो मजबूरी में आप खा सकते हो, खुशी से तो नहीं खा सकते हो खाना, क्योंकि वो खाना इतना बेकार होता है कि कच्चा चावल होता है, चावल पका नहीं होता है, और मतलब बहुत जो सालन होता है सही नहीं होता, पता नहीं कैसे पकाते हैं। और ये महारा कंपनी में देखो, ये जो खाना आप देख रहे हैं, दाल है, एक बार दाल के साथ में, दाल तो फिक्स मिलेगी, चावल मिलेगा, उसके बाद कभी आपको मिलेगा चिकन, तो कभी मच्छी, तो कभी अंडा। लेकिन यकीन मानो, जो भी ये खाना खाते हैं ना, बहुत तबीयत ख़राब होना, बीमार पड़ना ही पड़ना ये खाना खा के। हाँ, इतना याद रख लीजिए। ये कंपनी, ये जो बिल्डिंग है अमाना में, ये पूरी रियाद सिटी के बाहर जंगल में है ये बिल्डिंग। यहाँ पे जो है मतलब पुलिस वाले आ चुके हैं, जवाजात वाले आ चुके हैं, सब आते हैं, देखते हैं, लेकिन कुछ नहीं करते, क्योंकि वो भी और सऊदी, और ये जो कंपनी का मालिक वो भी सऊदी, और रहने वाले जो तकलीफ़ में वो तो खारजी है, उनको क्या मुश्किल है इस वजह से। और ये अभी मैं आपको देखो बिल्डिंग का बाहर का हिस्सा बताने वाला हूँ, कैसे किस तरह से बिल्डिंग बाहर से आपको दिखती है। देखिए ये बाहर से है, बाहर का पोजीशन जो आपको पूरा सिटी के बाहर जंगल में रखता है, और इसके आसपास आप देख लीजिए क्या है, कुछ नहीं दिखेगा आपको। कई बंदे हैं जो इस कंपनी में आके फंस चुके हैं, बहुत परेशान है लोग, जो भी यहाँ आता बहुत परेशान होता है। एजेंट लोग वहाँ से बोलते हैं 1400-1500 रुपये का एग्रीमेंट बना के भेजते हैं लेबरों का, और यहाँ पे उनको मिलता कितना है 1400-1500 का वहाँ से एग्रीमेंट बना के भेजते हैं एग्रीमेंट, और यहाँ पे इनकी सैलरी होती 700 रुपया, 700 रियल सैलरी प्लस 200 खाने का मिलता बस। उन लोगों के साथ धोखा होता है। फिर उसके बाद हर बंदे को बोला जाता है कि भाई 2 साल काम करोगे तुमको बोनस मिलेगा, लेकिन बोनस यहाँ पे नहीं मिलता है। एजेंट बोल के भेज देता है कि भाई बोनस मिलेगा, लेकिन कंपनी वाला बोनस नहीं देगा, तुम कुछ जो करना है कर लो। और कंपनी वाले से मतलब ही नहीं कि भाई तुम जिंदा हो मर गए हो, कंपनी वाले को कोई मतलब नहीं है, वो पूछेगा भी नहीं, तुम मर भी गए तो तुम पूछने वाला उधर तो कोई नहीं है तुमको। पानी भी देखो खरीद के पीना पड़ेगा, या तो तुमको भर के 2 किलोमीटर दूर जाके भर के लाना पड़ेगा, पानी तक नहीं देता ये कंपनी वाला, सिर्फ खाना देगा, और खाना भी ऐसा कि नहीं खाने के बराबर। लेकिन देखो ये जो दो बंदे दिख रहे हैं, ये दो बंदे एक एक महीने से बैठे हुए, इनको एक एक महीने से बैठे हैं, तो इनको सैलरी तक नहीं है, इनकी इनको सैलरी भी नहीं है, और इनको क्या किसी को भी, कोई भी लेबर हो, ड्राइवर हो, कोई भी काम का आदमी हो, सैलरी काम करेगा तो सैलरी, जब आके बैठ जाएगा इसमें कंपनी में तो ख़त्म, उसको सैलरी नहीं मिलेगी, फिर जब काम पे लगेगा तो ही सैलरी। और यहाँ आना अपनी मौत को दावत देना बराबर है, यहाँ आना फंसना बराबर है, तो मेहरबानी करके यहाँ मत आओ, कोई फंसो मत इस कंपनी में। ये महारा ह्यूमन रिसोर्सेज कंपनी बहुत ही घटिया 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 कंपनी है।